हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश, आई एम द फाउंडर ऑफ ड्रोन्स वाला। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे पास है मेड इन इंडिया ड्रोन नबियान। दोस्तों, इस ड्रोन का जो नाम है, पहले हम इसको गरुड़ा ड्रोन के नाम से जानते थे, लेकिन दोस्तों अभी इसका नाम चेंज होकर नबियान ड्रोन हो चुका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस ड्रोन का कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ड्रोन के साथ क्या क्या आपको बॉक्स कंटेंट मिलता है और ड्रोन का फ्लाइंग कैसा है, क्या क्या फीचर्स है, कैमरा क्वालिटी वगैरह कैसा है, इसका जो कैमरा एप्लीकेशन है क्या क्या फीचर्स है उसके अंदर। तो इस वीडियो में दोस्तों हम नबियान ड्रोन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम नबियान ड्रोन का कंप्लीट डिटेल में ओवरव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और गाइस, अगर आपको ये नबियान ड्रोन वीडियो देखकर अच्छा लगता है और अगर आप इस ड्रोन को बाय करना चाहते हैं, तो नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ड्रोन का बाय लिंक दे दिया है। आप लोग लिंक को फॉलो करके ड्रोन्स वाला साइट में जाकर इन ड्रोन्स को, दोस्तों नबियान ड्रोन जो है दो वर्षन में अवेलेबल रहता है, एक है बॉक्स वर्जन और एक है दोस्तों बैग वर्जन, प्रीमियम बैग वर्जन। दोस्तों, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करके ड्रोन्स वाला साइट में जाकर हमसे इन दोनों ही ड्रोन्स को, मतलब सेम ही ड्रोन है, ओनली बॉक्स वेरिएंट और बैग वेरिएंट का ही अंतर है, तो इनको बाय कर सकती हो। तो उससे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लो, इस नबियान ड्रोन के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से जान लो, सब कुछ डिटेल में इसका ओवरव्यू आप देख लो, उसके बाद ही अगर आपको ड्रोन पसंद आता है तो आप इस ड्रोन को बाय कर सकती हो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस नबियान ड्रोन के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो नबियान ड्रोन है कम्प्लीटली मेड इन इंडिया ड्रोन है, मतलब इस ड्रोन को कम्प्लीटली भारत में बनाया गया है। और यही जो ड्रोन है दोस्तों, पहले गरुड़ा ड्रोन के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, हमारा नबियान ड्रोन मेड इन इंडिया होने के कारण इसके जो सारे पार्ट्स है वो अवेलेबल रहता है। तो अगर बाई चांस आपका ड्रोन क्रैश हो जाता है और ड्रोन में अगर कोई पार्ट में डैमेज आता है, तो नॉमिनियल कॉस्ट में दोस्तों आपका ये जो नबियान ड्रोन है ये रिपेयर भी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही होता है। दोस्तों, इसका जो बैटरीज है वो भी अवेलेबल रहता है, जो इसके साथ आपको बॉक्स के अंदर दोस्तों या बैग के अंदर एक बैटरी मिलेगा। बाकी जब आप हमसे इस ड्रोन को ऑर्डर करोगे तो आप चाहो तो दोस्तों एक्स्ट्रा बैटरीज उधर एड ऑन करा सकते हो। दोस्तों, जो इम्पोर्टेड ड्रोन्स आते हैं उनका बैटरीज आमतौर में दोस्तों मार्केट में मिलता नहीं है, लेकिन दोस्तों नबियान ड्रोन मेड इन इंडिया होने के कारण और इसका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इंडिया में होने के कारण आपको इसका बैटरी इजीली अवेलेबल मिलेगा। आप चाहो तो इसका बैटरी वैसे ही सिंगल परचेस कर सकते हो, नहीं तो अगर आप ड्रोन के साथ परचेस करते हो तो बैटरीज आप ऐड ऑन करा सकते हो। और ये जो ड्रोन है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो ड्रोन है रिपेयर करना काफ़ी इजी है, क्योंकि पार्ट्स सारे अवेलेबल रहता है। और दोस्तों, अगर बात की जाए नबियान ड्रोन की प्राइसिंग की, दोस्तों ये जो ड्रोन है दो वर्जन में आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये आता है कुछ इस तरीके का बॉक्स वेरिएंट में और आता है कुछ इस तरीके का प्रीमियम बैग वेरिएंट में। आप अगर बैग वेरिएंट लेते हो तो आपको कैरी करने में थोड़ा आसानी रहेगा, अगर आप मतलब ड्रोन को ज़्यादा कैरी करना रहता है आपको, तो आप बैग वेरिएंट में जा सकते हो। बाकी अगर आपको ज़्यादा कैरी वगैरह करना है नहीं, आप घर पे इसको डिलीवर करोगे और घर से ही मतलब थोड़ा बहुत फ्लाई करोगे घर पे रख कर ही, तो आप बॉक्स वेरिएंट बाय कर सकते हो। तो बात की जाए प्राइसिंग की, तो बॉक्स वेरिएंट का प्राइसिंग है दोस्तों 6490 रुपीज़, और जो बैग वेरिएंट का प्राइस है वो है दोस्तों 7290 रुपीज़। बाकी दोस्तों, अगर आप इन ड्रोन्स को ऑर्डर करते वक्त प्रीपेड में ऑर्डर करते हो, अगर आप फुल्ली प्रीपेड ऑर्डर करते हो तो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर करना चाहते हो, तो जो प्राइसिंग मैंने आपको बताया 6490 और बैग वेरिएंट का 7290, तो आपको यही प्राइसिंग में दोनों ही वर्जन का नबियान ड्रोन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर फुल्ली प्रीपेड करते हो तो आपको इनके ऊपर भी एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट मिलेगा। और कैश ऑन डिलीवरी में दोस्तों ऑर्डर करने के लिए आपको जस्ट 300 रुपीज़ बुकिंग अमाउंट या एडवांस हमको पे करना है, उसके बाद बाकी का जो अमाउंट है, ये जो 300 रुपीज़ है इसके प्राइसिंग से माइनस होकर आपको कैश ऑन डिलीवरी में वो पे करना है, ठीक है, डिलीवरी पार्टनर को प्रोडक्ट रिसीव करते वक्त। तो आपको 300 रुपीज़ एडवांस करना है और बाकी का जो अमाउंट है वो आपको डिलीवरी पार्टनर को पे करना है जब आप प्रोडक्ट को रिसीव करोगे। और अगर आप फुल्ली प्रीपेड करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप दोस्तों बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इस नबियान ड्रोन को हमसे ड्रोन्स वाला साइट में जाकर बाय कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप हमें इस नंबर में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप में आप अपना कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप से भी दोस्तों आप अपना ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। तो इधर दोस्तों आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जो कि है 9883346848। आप हमें इस नंबर में व्हाट्सएप करके ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली ड्रोन्स वाला साइट में जाकर भी नबियान ड्रोन को ऑर्डर कर सकते हो, लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चले गए, अभी हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको नबियान ड्रोन के बॉक्स कंटेंट दिखा देता हूँ, ठीक है।
मतलब आपको ड्रोन के साथ क्या क्या चीज़ें मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो ड्रोन है दो वर्जन में आता है, एक है बॉक्स वर्जन और एक है दोस्तों प्रीमियम बैग वर्जन। ये जो बैग वर्जन है ना, इसके अंदर काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का हमें सूटकेस मिल जाता है। तो आप अगर आपको ट्रैवल वगैरह करना रहता है ड्रोन के साथ, तो आप इस बैग वर्जन को ले सकते हो। तो आप इजीली ड्रोन को कैरी वगैरह कर सकते हो। बैग का जो क्वालिटी है बिल्कुल ऑसम है। और गाइस यहाँ पर आप देखो, बॉक्स वेरिएंट के ऊपर हमें सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाता है। तो बॉक्स वेरिएंट में आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों देखो, मेड इन इंडिया है ड्रोन, और नबियान ड्रोन का फोटो बॉक्स के ऊपर ही दिया गया है। इसके अंदर डुअल कैमरा है। इसका जो फ्रंट वाला कैमरा है वो 1080 पिक्सल 120 डिग्री वाइड एंगल कैमरा है, और इसका जो सेकेंडरी कैमरा है या बॉटम कैमरा है वो 720 पिक्सल का कैमरा है। और यहाँ पर नबियान लिखा गया है शार्प स्टेडी सबटाइल। तो यहाँ पर दोस्तों बॉक्स के इधर ड्रोन के फीचर्स हमें देखने के लिए मिल जाता है। लाइक इसके अंदर डुअल कैमरा है, कैमरा रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया, FPV VR सपोर्टेड है, 120 डिग्री वाइड एंगल कैमरा, जेस्चर सेल्फी मोड का फीचर है, ऑप्टिकल फ्लो पोजिशन लॉकिंग का फीचर है, जिस वजह से ड्रोन बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ फ्लाई कर पाएगा। वन की रिटर्न है, 1800 mAh का बैटरी है, फोल्डेबल डिज़ाइन है, स्मार्टफोन ऐप कंट्रोल है, और एडजस्टेबल कैमरा है। इसके अंदर मैनुअली एडजस्टेबल कैमरा दिया गया है। और इधर भी दोस्तों ड्रोन के कलर वेरिएंट का दिया गया है। ये जो ड्रोन है दोस्तों दो कलर्स में अवेलेबल रहता है, एक है ब्लैक और एक है दोस्तों वाइट। बाकी बॉक्स के पीछे आप देखो, नबियान ड्रोन का फोटो यहाँ पर दिया गया है। तो बॉक्स में दोस्तों यही सारी चीज़ें थी। तो अभी हम आपको ड्रोन को अनबॉक्स करके दिखाते हैं, ठीक है। ऑल राइट गाइस, इसको हमने कट कर दिया है, तो अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, सबसे पहले मैनुअल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा नबियान ड्रोन का मैनुअल। इसके अंदर ड्रोन के बारे में सारी चीज़ें हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। लाइक किस तरीके से रिमोट का कौन सा की क्या काम करता है, किस तरीके से प्रोपेलर्स को कनेक्ट करना होता है, प्रोपेलर गार्ड्स को किस तरीके से कनेक्ट करना होता है, बैटरी को किस तरीके से चार्ज करना है, ड्रोन को किस तरीके से फ्लाई करना है। तो डिटेल में दोस्तों इस मैनुअल के अंदर ड्रोन के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो आप ड्रोन को फ्लाई करने से पहले मैनुअल को एक बार पढ़ सकते हो। इधर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में दोस्तों मैनुअल दिया गया है। बाकी दोस्तों मैं आपको वीडियो के अंदर ही सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आप अगर आप मैनुअल को ना भी पढ़ते हो, तो आपको वीडियो पूरा देखते हो, तो आपको सारी चीज़ें ड्रोन के बारे में आप जान पाओगे। तो मैनुअल को रखते हैं साइड में। और यहाँ पर दोस्तों एक कार्ड है कि इसका जो नाम है गरुड़ा 1080 था पहले, और अभी इसका नाम है नबियन 1080। और यहाँ पर आप देखो, बाकी दोस्तों जो गरुड़ा ड्रोन है उससे इसको थोड़ा इम्प्रूव किया गया है। तो इम्प्रूव करने के बाद इसका नाम हो गया है नबियन। तो इधर भी दोस्तों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये कार्ड दिखने के लिए मिल जाता है। तो इसको भी हम रखते हैं साइड में। तो मैं आपको साथ साथ में जो इसका बैग वेरियंट है ये भी मैं आपको दिखा कर चलता हूँ। तो बैग वेरिएंट आप सिंपली कुछ इस तरीके से जिपर को ओपन कर सकते हो, और कुछ इस तरीके से आपको सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से मिलेगा। बाकी दोस्तों ड्रोन में कोई भी अंतर नहीं है, ड्रोन में और बॉक्स कंटेंट बिल्कुल सेम है। ओनली ये है बॉक्स और ये है दोस्तों बैग। तो यहाँ पर आप देखो, इधर भी मैनुअल है सेम जो कि मैंने आपको बॉक्स वेरिएंट का दिखाया है। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, उससे पहले इस बॉक्स को हम बाहर निकालते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, सेम वही मैनुअल और वही कार्ड इधर दिया गया है। तो इसको भी हम रखते हैं साइड में। तो अभी आते हैं दोस्तों एक्सेसरीज के ऊपर। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों हमें एक पाउच मिलता है, ओके। तो पाउच के अंदर दोस्तों यहाँ पर हमें मिलता है चार एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स। अगर किसी भी वजह से ड्रोन का जो प्री इंस्टॉल प्रोपेलर्स है ये डैमेज होता है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। और हमें यहाँ पर मिलता है चार्जिंग केबल जो कि है USB 2 माइक्रो USB चार्जिंग केबल। जैसे कि आपको पता है, आपको मोबाइल के अडाप्टर में इसको कनेक्ट करके ये जो पिन है माइक्रो USB आपको ड्रोन के बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। तो इसको भी हम रखते हैं साइड में। और यहाँ पर दोस्तों एक स्क्रू ड्राइवर हमें मिलता है। स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से रिमोट के पीछे जो पेच है उसको आप ओपन कर सकते हो, नहीं तो जो स्क्रूज है उसको बेसिकली आप स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से ओपन कर सकते हो। और ये जो बैग वेरिएंट है इसके अंदर भी दोस्तों सेम ही एक्सेसरीज दिया गया है। तो इसको मैं और आपको ओपन करके नहीं दिखाता हूँ, इसको हम साइड में रख लेते हैं। तो अभी दोस्तों मैं आपको ड्रोन दिखाता हूँ, नहीं ड्रोन से पहले मैं आपको रिमोट दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा नबियान ड्रोन का रिमोट। दोस्तों ये रहा हमारा नबियान ड्रोन का रिमोट कंट्रोलर। रिमोट का जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है, और जो जॉयस्टिक है काफ़ी स्मूथली वर्क करता है। ऊपर जो ये एंटीना का डिज़ाइन है, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है, ये रिमोट के शो को अच्छे करने के लिए इस एंटीना को दिया जाता है। रिमोट के मिडिल में दोस्तों मिलता है ऑन ऑफ स्विच, और कौन सा बटन क्या काम करता है ये मैं आपको ग्राउंड में जाकर सारी फीचर्स अच्छे से टेस्ट करके दिखाऊंगा।
रिमोट के नीचे दोस्तों मिलता है मोबाइल होल्डर, इसके अंदर अपना स्मार्टफोन को होल्ड कर सकते हो और इसका कैमरा फुटेज को आप एंजॉय कर सकते हो। तो रिमोट मैंने आपको दिखा दिया और रिमोट के पीछे बेसिकली यहाँ पर बैटरी कंपार्टमेंट है, तो रिमोट को भी हम रखते हैं साइड में। और इसमें भी दोस्तों सेम ही रिमोट आपको मिलता है, सब कुछ सेम ही है। तो रिमोट कंट्रोलर को हमने रख दिया है साइड में। अभी मैं आपको मेन चीज़ को दिखाता हूँ जो कि है दोस्तों हमारा ये ड्रोन। दोस्तों ये रहा हमारा नबियान ड्रोन। दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए ड्रोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो एज एक्सपेक्टेड ये मेड इन इंडिया ड्रोन है, तो इसका बिल्ड क्वालिटी परफेक्ट है, ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छी प्लास्टिक को यूज़ किया गया है इसको बनाने में। तो ड्रोन को मैं आपको अनफोल्ड करके दिखाता हूँ। तो अनफोल्ड होने के बाद ड्रोन का जो साइज है ना काफ़ी बड़ा हो चुका है यहाँ पर, आप देखो तो फुल साइज अभी ड्रोन का हो चुका है। बाकी अगर आप प्रॉपर गार्ड्स को इसके अंदर इंसर्ट करते हो तो ड्रोन का साइज और भी एक्सटेंड हो जाएगा। ड्रोन के सामने आप मेन चीज़ देखो जो कि इसका 120 डिग्री वाइड एंगल कैमरा। इसके अंदर वाइड एंगल कैमरा का यूज़ किया गया है। बाकी जो नॉर्मल जूम होकर कैमरा दिखाता है ना उसका फुटेज उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और सही से फुटेज देखकर हम इसको फ्लाई भी नहीं कर सकते। लेकिन वाइड एंगल कैमरा होने के कारण इसका जो फुटेज है इस बजट में जितने भी ड्रोन्स हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा बेटर है। इधर है दोस्तों फ्लैश लाइट और ड्रोन के नीचे सेकेंडरी कैमरा है जो कि इसका ऑप्टिकल थ्रो पोजीशनिंग होल्ड में भी हेल्प करता है। और यहाँ पर दोस्तों है ऑन ऑफ स्विच, आप इस बटन की हेल्प से ड्रोन को ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो ड्रोन मैंने आपको अच्छे से दिखाया, ड्रोन का जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। प्रॉपलर के ऊपर दोस्तों इधर लिखा गया है प्राउडली मेड इन इंडिया। तो अभी दोस्तों मैं आपको ड्रोन का बैटरी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों है ड्रोन का बैटरी जो कि है दोस्तों 3.7 वोल्ट 1800 एमएएच की। इधर कनेक्टर है, इधर चार्जिंग इंडिकेटर है, तो आप कुछ इस तरीके से चार्ज कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको सिंपली केबल को माइक्रो यूएसबी पोर्ट में कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही एडाप्टर में लगाकर पावर ऑन करोगे इधर रेड कलर का लाइट ग्लो करेगा। उसके बाद जैसे ही ये ग्रीन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जैसे ही रेड कलर ग्रीन में स्विच हो जाएगा तो आप समझ जाना कि बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। उसके बाद आप ड्रोन के अंदर बैटरी को कनेक्ट करके फ्लाई कर सकते हो। और दोस्तों आपको सबसे पहले बैटरी को फुल चार्ज करके ही पहली बार इसको फ्लाई करना है। तो जब आप हमसे ड्रोन को ऑर्डर करोगे और जब आपके पास में ड्रोन डिलीवर होगा तो आपको बैटरी को फुल चार्ज करके ड्रोन को फ्लाई करना है। बाकी दोस्तों हमारे पास इस ड्रोन का एक्स्ट्रा बैटरीज भी अवेलेबल है, अगर आप बैटरीज एड ऑन करा सकते हो। अगर आपको दो बैटरी चाहिए, तीन बैटरी चाहिए या कितना भी बैटरी चाहिए तो आप ड्रोन को बाय करते वक्त हमें बता सकते हो, तो हम आपको बैटरी एड ऑन करा देंगे। इसका एक्स्ट्रा बैटरीज हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बैटरी को कर लेते हैं फुल चार्ज, उसके बाद हम ड्रोन के अंदर कनेक्ट करेंगे एंड ड्रोन को फ्लाई करेंगे और ड्रोन की सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बैटरी को फुल चार्ज करके आपसे मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, हमने ड्रोन के बैटरी को फुल्ली चार्ज कर लिया है, तो अभी हम इसको ड्रोन के अंदर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको बैटरी को सिंपली कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है, उसके बाद आपको ड्रोन को कुछ इस तरीके से पावर ऑन कर देना है। इधर आपको ऑन ऑफ स्विच मिलेगा, तो जैसे आप ऑन करोगे ड्रोन के अंदर कुछ इस तरीके का लाइटिंग ग्लो करेगा और कैमरा मॉड्यूल के अंदर भी लाइटिंग ग्लो करेगा। तो ड्रोन को हम इधर रख देते हैं। फिर दोस्तों आपको रिमोट ले लेना है और रिमोट के पीछे आपको एक स्क्रू मिलेगा, इसको आपको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसके अंदर 3AA साइज का बैटरी इंस्टॉल करना है। दोस्तों ये जो बैटरी है वो बॉक्स के अंदर नहीं आता है, लेकिन हम आपको अपने ओर से जो सेल से आपको बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको 3AA साइज का सेल्स इंसर्ट करना है। दोस्तों सेल्स को इंसर्ट करने के बाद आपको कवर को क्लोज कर देना है एंड स्क्रू को कुछ इस तरीके से आपको टाइट कर देना है। ऑलराइट गाइस, रिमोट के अंदर भी हमने सेल्स इंसर्ट कर दिया है। तो अभी आपको रिमोट को ऑन करना है। रिमोट को ऑन करने के बाद आपको फर्स्ट वाली स्टिक को एक बार ऊपर करना है और एक बार नीचे करना है। तो ड्रोन देख सकते हो रिमोट के साथ अभी कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, आपको ड्रोन को फ्लाई करने से पहले इसको कुछ इस तरीके से कैलिब्रेट करना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ड्रोन का लाइट कुछ इस तरीके से ब्लिंकिंग करेगा, उसके बाद स्टेबल हो जाएगा। तो आपको फ्लैट सरफेस में ड्रोन को रखकर कुछ इस तरीके से कैलिब्रेट कर लेना है। बाकी दोस्तों अभी मैं आपको ड्रोन का कैमरा एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। तो आपको गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल की ऐप स्टोर से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है दोस्तों VSFPV Pro। बाकी जो ड्रोन के अंदर मैनुअल्स है उस मैनुअल के अंदर जो QR कोड है उसको भी आप स्कैन करके इसके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। तो VSFPV Pro हम सर्च कर देते हैं डायरेक्ट। दोस्तों हमने एप्लीकेशन को पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो अभी हम इसको ओपन करेंगे। दोस्तों एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है मोबाइल के वाईफाई में। वाईफाई में जाने के बाद ड्रोन के सिग्नल को आपको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। VSFPV Pro ऐसा सिग्नल आएगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पर आप देखो ड्रोन का जो कैमरा फुटेज है मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखो जो इसके अंदर वाइड एंगल कैमरा है 1080 पिक्सल का, तो उसका फुटेज आपको इधर शो होगा। बाकी डुअल कैमरा नीचे का जो कैमरा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शायद स्विचिंग का बटन है,
तो थोड़ा वक्त लगेगा इसको शायद स्विच होने में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखो नीचे का कैमरा अभी ड्रोन का एक्टिवेट हो चुका है, इसके अंदर डुअल कैमरा दिया गया है। तो अभी हम फ्रंट वाले कैमरा में ही स्विच कर लेते हैं, क्योंकि फ्रंट का जो क्वालिटी है कैमरा का वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप अपने मोबाइल को कुछ इस तरीके से रिमोट के नीचे फिक्स कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। तो अभी आप सिंपली ड्रोन को रिमोट से फ्लाई कर सकते हो और जो कैमरा फुटेज है यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। बाकी दोस्तों आप चाहो तो मोबाइल से भी ड्रोन को इजीली फ्लाई कर सकते हो। तो मोबाइल से किस तरीके से फ्लाई कर सकते हो तो मैं आपको ग्राउंड में ले जाकर अच्छे से दिखाऊंगा। बाकी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, इसका जो प्रॉपलर गार्ड है उसको इंसर्ट करके। तो आपको सिंपली इस चीज़ को बाहर निकल लेना है, ड्रोन का जो आर्म है उससे। तो अगर आप एक बिगिनर हो ना तो प्रॉपलर गार्ड्स को जरूर से कुछ इस तरीके से इंसर्ट करके इसको पहली बार फ्लाई करना। तो कुछ इस तरीके से आप प्रॉपलर गार्ड्स को इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको चारों के चार प्रॉपलर गार्ड्स को प्रॉपलर्स के अंदर कनेक्ट कर देना है। इससे प्रॉपलर्स काफ़ी हद तक सेफ हो जाता है और ड्रोन क्रैशिंग के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। बाकी दोस्तों मुझे ड्रोन फ्लाई करने का एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो मैं इसको ड्रोन को अच्छे से फ्लाई कर पाता हूँ बिना प्रॉपलर गार्ड्स के। तो अभी दोस्तों मैं आपको इंडोर में इस ड्रोन को थोड़ा फ्लाई करके दिखाता हूँ कि इंडोर फ्लाइंग ड्रोन का कैसा है। उसके बाद हम ग्राउंड में जाकर इस ड्रोन का फुल टेस्ट करने वाले हैं और इसका कैमरा फुटेज भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी दोस्तों ड्रोन का फ्लाइंग टेस्ट करते हैं। ऑल राइट गाइस, हम आ चुके हैं ग्राउंड में। अभी हम इस ड्रोन को अच्छे से फ्लाई करके ड्रोन के सारे फीचर्स को आपको टेस्ट करके अच्छे से मतलब सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं और कैमरा फुटेज वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। तो ड्रोन हमारा रिमोट एंड मोबाइल के एप्लीकेशन से कनेक्टेड है। तो ड्रोन को हम रखते हैं नीचे, तो थोड़ा हम स्टेबल सरफेस में या फ्लैट सरफेस में रखने की कोशिश करते हैं और इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं। कैलिब्रेट करने के लिए आपको सिंपली कुछ इस तरीके से जॉयस्टिक को मिडिल में मूव करना है। दोस्तों आप चाहो तो सिंपली इस जॉयस्टिक को प्रेस करके ऊपर करके इसको टेकऑफ करा सकते हो, नहीं तो वन की टेकऑफ के बटन को प्रेस करके ड्रोन को सिंपली टेकऑफ कर सकते हो। मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा, आप इसको वन की टेकऑफ लैंडिंग के बटन को प्रेस करके टेकऑफ करा सकते हो एंड लैंड करा सकते हो। तो इसको हम कर लेते हैं टेक ऑफ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो गरुड़ा इसका पहले नाम था, अभी इसका नाम हो चुका है दोस्तों नबियान। तो नबियान ड्रोन दोस्तों अभी हमारा टेक ऑफ हो चुका है और कैमरा फुटेज भी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों अगर बात करूँ ड्रोन की स्टेबिलिटी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जस्ट इसको टेक ऑफ करके रखा है और मैं रिमोट से कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ और ड्रोन एक ही जगह में कुछ इस तरीके से होवर कर रहा है। दोस्तों एक एक करके मैं आपको सारे फीचर्स अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आप ड्रोन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे मेजर चीज़ इसका स्टेबिलिटी को आप देखो। तो इसको मैं इधर उधर मूव करके भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा हाइट पे ले चलते हैं। हाइट पे जाने के बाद भी ड्रोन काफ़ी हद तक स्टेबल है, थोड़ा ज़्यादा ऊपर हम ले चलते हैं। ओके, यहाँ पर आप कैमरा फुटेज भी देख पाओगे। बाकी यहाँ पर आप देखो ड्रोन अभी हमने हाइट पे भेज दिया है और उसके बाद भी ड्रोन बहुत ही बढ़िया तरीके से एक ही जगह में होवर कर पा रहा है। ड्रोन का जो स्टेबिलिटी है दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और बाकी दोस्तों जो पहले वाला हमारा गरुड़ा नाम से जो आता था या इसका पहले वाला जो वर्जन था, उससे भी दोस्तों इधर कैमरा में और स्टेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट किया गया है। दोस्तों ड्रोन के अंदर आपको पोजीशन होल्ड का फीचर मिलता है, ऑप्टिकल फ्लो पोजीशनिंग होल्ड का, एंड आपको मिलता है एल्टीट्यूड होल्ड का कम्बाइंड फीचर, ठीक है, जिस वजह से ये जो ड्रोन है बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ फ्लाई कर पाएगा।
इधर आप देखो अभी ग्राउंड में दोस्तों ज़्यादा तेज़ी से हवा नहीं चल रहा है, तो इसीलिए दोस्तों ड्रोन इतना ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक जगह रुक गया है, बाकी अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवा चलता है तो थोड़ा इधर उधर जाएगा ड्रोन, ठीक है। तो आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो, ड्रोन के अंदर 3 स्पीड मोड है, मतलब आप स्पीड मोड को इंक्रीज करके ड्रोन को तेज़ हवा में भी फ्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा स्पीड मोड कितना तेज़ी से वर्क करता है। बाकी इसमें आप देखो इस पोजीशन में मैं जस्ट रिमोट को छोड़ दिया हूँ और ड्रोन बिल्कुल एक ही जगह में डटकर होवर कर रहा है। थोड़ा पास से भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं ड्रोन के नीचे ही खड़ा हो जाता हूँ। यहाँ पर आपको शायद माइक में ड्रोन का जो हवा है उसका भी साउंड आएगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रिमोट को छोड़ दिया है। ऑल राइट, तो जैसे कि दोस्तों आपने ड्रोन का स्टेबिलिटी को देखा, स्टेबिलिटी इस ड्रोन का बिल्कुल ऑसम है। इस प्राइस रेंज में जितने भी ड्रोन्स आते हैं उनके अंदर इस ड्रोन का जो स्टेबिलिटी है बिल्कुल ऑसम है, यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी दोस्तों अगर बात की जाए दूसरे फीचर्स की, तो मैं आपको ड्रोन को थोड़ा दूर में ले जाकर आपसे बात करता हूँ, नहीं तो ड्रोन का जो साउंड है वो आपको माइक में सुनने के लिए मिलेंगी और आपको ज़्यादा अच्छे से बात समझ में नहीं आएगा। दोस्तों मैं आपको कंट्रोल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो ये जो लेफ्ट वाला स्टिक है, इससे ड्रोन का एल्टीट्यूड कंट्रोल होता है या ड्रोन का हाइट कंट्रोल होता है। यहाँ पर आप देखो इससे ड्रोन का हाइट कुछ इस तरीके से इंक्रीज हो गया और कुछ इस तरीके से ड्रोन का हाइट सिंपली कुछ इस तरीके से डिक्रीज हो गया, ठीक है। और इसको कुछ इस तरीके से रोटेट करके या इसको मूव करके आप ड्रोन को एक एक्सेस में रोटेट कर सकते हो, ठीक है। इधर आप देखो ड्रोन लेफ्ट एक्सेस में रोटेट कर रहा है और कुछ इस तरीके से ड्रोन अभी राइट एक्सेस में रोटेट कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो लेफ्ट वाला जॉयस्टिक का काम आपने देखा और राइट वाला स्टिक से दोस्तों आप ड्रोन को कुछ इस तरीके से फॉरवर्ड में मूव कर सकते हो, कुछ इसी तरीके से बैकवर्ड में मूव कर सकते हो, कुछ इस तरीके से लेफ्ट में मूव कर सकते हो और कुछ इस तरीके से राइट में ड्रोन को सिंपली कंट्रोल कर सकते हो। ओके, और ये जो 4 बटन्स है दोस्तों ये है ड्रोन का ट्रिम बटन्स। अगर ड्रोन अपने आप ही लेफ्ट राइट या फॉरवर्ड बैकवर्ड में अपने आप जाता है तो आप कुछ इस तरीके से ड्रोन को ट्रिम भी कर सकते हो, ठीक है, और ड्रोन को आप स्टेबल कर सकते हो। और ये बटन मैंने आपको दिखाया, यह 1 की टेकऑफ का बटन है। इसको प्रेस करने के बाद ड्रोन एक मिनिमम हाइट पे होवर करने लगेगा, ठीक है, और इससे इस बटन को प्रेस करते ही ड्रोन हाइट से लैंड करने लगेगा। मतलब आप इस बटन को अगर प्रेस कर देते हो तो ड्रोन जिधर भी फ्लाई कर रहा होगा उधर से धीरे धीरे आकर नीचे लैंड हो जाएगा। और ये है दोस्तों 1 की रिटर्न का बटन, और ये है दोस्तों हेडलेस मोड का बटन, और ऊपर में है दोस्तों स्पीड मोड के लिए बटन। यहाँ पर आप देखो डबल स्पीड मोड में या सेकंड स्पीड मोड में अभी मैंने ड्रोन को डाल दिया है। अभी आप ड्रोन का स्पीड देखो थोड़ा इंक्रीज हो गया है, ठीक है, क्योंकि अभी ये सेकंड स्पीड मोड में फ्लाई कर रहा है। तो जैसे कि आपने देखा इसका स्पीड इंक्रीज हो गया, और एक स्पीड मोड है 3rd स्पीड मोड, तो 3rd स्पीड मोड में भी हम डाल देते हैं। आपको सिंपली इसको ही प्रेस करना है तो स्पीड मोड में ये स्विच होता रहेगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो ड्रोन का स्पीड और भी इंक्रीज हो चुका है, तो आप 3rd स्पीड मोड में ड्रोन को तेज हवा में भी फ्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कैमरा फुटेज भी देख पाओगे, इधर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रोन का कैमरा फुटेज, इसके अंदर 120 डिग्री वाइड एंगल कैमरा का यूज़ हुआ है, जिसका व्यू दोस्तों इस बजट में जितने भी ड्रोन्स आते हैं उनके अंदर सबसे बेस्ट है। ओके, और दोस्तों अभी मैं आपको ड्रोन के स्टैंड मोड के बारे में बता देता हूँ या उसको यूज़ करके ही दिखा देता हूँ। तो रिमोट के दोस्तों राइट टॉप कॉर्नर में इधर आपको फ्लिप के लिए बटन मिलता है, आपको जस्ट इसको प्रेस करना है, उसके बाद जिस डायरेक्शन में आप फ्लिप कराना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आपको जॉयस्टिक को मूव करना है, राइट वाले जॉयस्टिक को, तो ड्रोन उस डायरेक्शन में दोस्तों कुछ इस तरीके से फ्लिप परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर आप देखो, और ड्रोन फ्लिप परफॉर्म करने के बाद इसका एल्टीट्यूड को भी लूज़ नहीं करता, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हेवी ड्रोन आते हैं जैसे कि S-8000 हो गया, पायोनियर ड्रोन भी बीच बीच में ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि ड्रोन एकदम से एल्टीट्यूड को लूज़ करने लगता है। लेकिन ये जो नबियान ड्रोन है दोस्तों, जैसे ही फ्लिप परफॉर्म करता है तो जिस एल्टीट्यूड में ड्रोन उड़ रहा था उसी एल्टीट्यूड में मेंटेन रहता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा ड्रोन कितनी बढ़िया तरीके से स्टंट को परफॉर्म कर पा रहा है। बाकी फ्लाइंग के दौरान मैंने ड्रोन के अंदर एक चीज़ नोटिस किया जो कि इसका स्टेबिलिटी।
दोस्तों इसका जो स्टेबिलिटी है मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑप्टिकल फ्लो पोजीशनिंग होल्ड का भी फीचर है। ऑप्टिकल फ्लो पोजीशनिंग होल्ड का फीचर ये होता है, ड्रोन के नीचे दोस्तों जो सेकेंडरी कैमरा है या डुअल कैमरा जो है, नीचे का कैमरा नीचे ज़मीन को सेंस करता है, ठीक है, और वो जो कैमरा है ड्रोन को एक ही पोजीशन में कुछ इस तरीके से होवर कराने में हेल्प करता है और ड्रोन कुछ इस तरीके से स्टेबल रह पाता है, ठीक है। तो अभी दोस्तों हम आपको मोबाइल का जो कैमरा एप्लीकेशन है VS FPV Pro, तो एप्लीकेशन के सारे फीचर्स को हम आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। तो वाईफाई से किया हमने ड्रोन के सिग्नल को कनेक्ट, उसके बाद VS FPV Pro ऐप को किया हमने कुछ इस तरीके से ऑन, रिमोट को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। रिमोट का तो फीचर मैंने आपको दिखाई दिया, अभी मैं आपको मोबाइल के एप्लीकेशन के फीचर को दिखा देता हूँ। तो मोबाइल से फ्लाई करने के लिए आई थिंक इधर कुछ ऑन का ऑप्शन है, जी हाँ यहाँ पर आप देखो, इसको कुछ इस तरीके से सेट कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों आप मोबाइल से ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो, तो इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं। कैलिब्रेशन का बटन आई थिंक यहीं पर ही होगा, तो रिमोट से आप जिस तरीके से कैलिब्रेट करते हो उसी तरीके से आपको मूव करना है, तो ड्रोन के अंदर लाइटिंग ब्लिंकिंग होगा, उसके बाद स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो इधर दोस्तों 1K टेकऑफ का बटन है, इसको हम प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर आप देखो रिमोट से, दोस्तों अभी मैं फ्लाई नहीं कर रहा हूँ, रिमोट ऑफ ही है, मैं आपको मोबाइल से फ्लाई करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देखो मोबाइल से भी फ्लाई करने में बिल्कुल सेम ही स्टेबिलिटी है और मोबाइल से भी कंट्रोल्स दोस्तों बिल्कुल सेम ही है, जो कि मैंने आपको रिमोट का दिखाया, जो जॉयस्टिक कंट्रोल है, ठीक है। बाकी मोबाइल में आपको कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, आप सिंपली मोबाइल से भी कुछ इस तरीके से ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, इधर VR मोड है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि VR मोड से मैं इसको फ्लाई कर पाता हूँ या नहीं, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से मिनिमाइज़ कर देते हैं। बाकी दोस्तों मोबाइल में आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स एड ऑन हो जाते हैं, लेकिन मोबाइल से अगर फ्लाई करते हो तो रेंज थोड़ा इसका डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि मोबाइल वाईफाई कनेक्टिविटी से ड्रोन तब फ्लाई करता है। बाकी रिमोट का जो रेंज है दोस्तों 2.4 GHz का फ्रीक्वेंसी में रिमोट आ जाता है, तो आप रिमोट से ड्रोन को अप्रॉक्स 100 मीटर की रेडियस तक फ्लाई कर सकते हो, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। बाकी दोस्तों इस नबियन ड्रोन से मुझे रेंज का कोई इशू नहीं आया, ठीक है। रेंज दोस्तों बिल्कुल सफिशियंट है, आप काफ़ी लॉन्ग रेंज एरिए में ड्रोन को इजीली फ्लाई कर सकते हो। तो अभी हम ड्रोन को अपनी ओर बुला लेते हैं। तो अभी दोस्तों मुझे एक चीज़ ट्राई करने में काफ़ी अभी इंटरेस्ट है, मैं देखता हूँ, मैं जो इसका VR बॉक्स का जो सपोर्ट है ना, VR जो मोड है, यहाँ पर आप देखो कुछ इस तरीके से फुटेज स्पिल्ट हो गया है, तो इसको देखकर मैं ड्रोन को फ्लाई कर पाता हूँ या नहीं, ठीक है। तो हमारे पास VR बॉक्स भी है, तो ड्रोन को हम कुछ इस तरीके से लैंड करा देते हैं। दोस्तों लैंड करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, इसके अंदर लैंडिंग का भी फीचर है, मतलब दोस्तों आप एक की प्रेस करके इसको लैंड भी करा सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो, तो आप रिमोट से भी सेम तरीके से इसको लैंड करा सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो हमने ड्रोन को सक्सेसफुली लैंड करा लिया है। तो अभी हम देखते हैं हम इसको VR बॉक्स में पहनकर ड्रोन को किस तरीके से फ्लाई करवाते हैं और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऑलराइट गाइस, VR बॉक्स में फ्लाई कराने के लिए हमें रिमोट से ड्रोन को कंट्रोल करना होगा और जो मोबाइल है VR बॉक्स उधर एक्टिवेट करके इसके अंदर फिक्स करना होगा। ऑलराइट गाइस, VR मोड हमने फिर से इसके अंदर एक्टिवेट कर दिया है। मोबाइल को दोस्तों हम कुछ इस तरीके से इस VR बॉक्स के अंदर फिक्स करते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर फीचर में दिया गया है कि इसके अंदर VR मोड मिल जाता है, तो मैं सोचा कि एक बार रियल लाइफ में टेस्ट करके देखते हैं हम इससे, मतलब किस तरीके से फ्लाई कर पाते हैं। ओके, तो अभी दोस्तों हम फाइनली इस VR बॉक्स को पहनकर देखते हैं हम इस गरुड़ा ड्रोन को फ्लाई कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से हम पहन लेते हैं। ओके जी, VR बॉक्स पहनने के बाद मतलब ड्रोन का जो कैमरा फुटेज है उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सारी चीज़ें दिख रहा है, तो अभी हम इसको टेक ऑफ कर लेते हैं। तो गाइस, ड्रोन तो टेक ऑफ हो चुका है, इधर VR बॉक्स में भी मैं देख पा रहा हूँ। ओ गाइस, दोस्तों यहाँ पर मैं मतलब VR बॉक्स में देखकर ही ड्रोन को ये अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि ड्रोन किधर है, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं आपको ये करने का रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस है ड्रोन उड़ाने का तो ही करना, बाकी थोड़ा तो मतलब उतना अच्छी तरीके से तो कंट्रोल आप नहीं कर सकते देख के, फिर भी थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग ही जाता है। तो मैं VR बॉक्स को देखकर कुछ इस तरीके से ड्रोन को फ्लाई कर पा रहा हूँ, तो ड्रोन शायद इधर है ना। ड्रोन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर मैं ड्रोन को फ्लाई कर पा रहा हूँ, जो इसके अंदर 120 डिग्री वाइड एंगल कैमरा है ना, उसकी वजह से ये चीज़ मैं कर पा रहा हूँ।
बाकी जिसके अंदर जूम होकर कैमरा फुटेज दिखाता है तो उन सब ड्रोन्स को तो बिल्कुल ही वीआर बॉक्स को देखकर कैमरामैन कहा है मुझे यही पता नहीं है, फिर मैं जस्ट बोल रहा हूँ। तो जिसके अंदर जूम होकर आपको दिखाता है तो उसको तो आप बिल्कुल ही फ्लाई नहीं कर सकते हो वीआर बॉक्स को देखकर। बाकी ये जो कैमरा है 120 डिग्री वाइड एंगल कैमरा है, इस वजह से आप वीआर बॉक्स को देखकर वीआर बॉक्स में देखकर ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो। और इसका जो वीआर का फीचर है ना पूरी तरीके से वर्क करता है, मतलब आप देख सकते हो मैंने अभी तक वीआर बॉक्स को हटाया नहीं है और ड्रोन को मैं अच्छी तरीके से फ्लाई कर पा रहा हूँ। बाकी दोस्तों आप खुले एरिया में इस चीज़ को अगर ट्राई भी करते हो ना तो खुले एरिया में ट्राई करना। यहाँ पर आप देख सकते हो खुला एरिया है, ग्राउंड है, तो हम इसको ट्राई कर पा रहे हैं। बाकी जिधर लोग वगैरह ज़्यादा है ना या चीज़ें पेड़ वगैरह ज़्यादा है उधर आप ट्राई मत करना इस चीज़ को, आपका ड्रोन क्रैश हो सकता है या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो वीआर बॉक्स में देखकर दोस्तों मैंने इस ड्रोन को फ्लाई किया अभी तक। दोस्तों आप वीआर बॉक्स में देखकर ड्रोन को थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से फ्लाई कर पाओगे, ठीक है, जैसे कि मैंने फ्लाई किया। तो अभी दोस्तों यहाँ पर आप देखो ड्रोन का जो लाइटिंग है वो ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया है, इट मीन्स कि ड्रोन का जो बैटरी है वो अभी लो हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ही ड्रोन का जो लाइट है कुछ इस तरीके से ब्लिंकिंग करने लगे तो ड्रोन को आप लैंड करा दीजिएगा और ड्रोन कुछ इस तरीके से भी आप ऑफ कर सकते हो। तो अभी दोस्तों आप इस ड्रोन के फ्लाइंग को और भी अच्छे से देख लो, थोड़ा एंजॉय कर लो, उसके बाद अगर आपको ड्रोन पसंद आता है तो आप हमसे ड्रोन को बाय कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बाय लिंक्स प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों अभी आप इस ड्रोन के फ्लाइंग को और भी अच्छी तरीके से एंजॉय करो। And so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams into modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.
did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these fucking clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. So descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going
going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.